हेलो एवरीवन, मैं पूजा चौधरी खुशी मेकओवर से, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम लोगों को फेस पर, हम फेशियल कराते हैं तो उस टाइम पर हमें स्टीम कब लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, स्टीम करने के फेस को क्या क्या फ़ायदे हैं। तो जैसे आज मैं एक फेशियल करा रही हूँ तो उस फेशियल में जो क्रीम का स्टेप है उस स्टेप में हम लोगों ने स्टीम लेनी स्टार्ट की है। और स्टीम आप देख सकते हैं किस तरीके से ली जा रही है, काफ़ी दूर से स्टीम ले रहे हैं हम, क्योंकि मेरे पार्लर पर इसी तरीके से स्टीम दी जाती है कि हमारा जो स्टीमर है वो देखिए इतनी दूर रखा हुआ होता है और हमारे फेस पर ओनली फॉर इसकी हीट जा रही है। उस हीट के साथ साथ हम लोग जो हैं वो क्रीम से मसाज कर रहे हैं और बहुत अच्छे से जो है वो फेस पर हीट जा रही है और क्रीम एब्जॉर्ब हो रही है स्किन के अंदर। इससे क्या होता है, हमारे वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स बहुत अच्छे से फूल जाते हैं और फिर हमारी जो स्किन है वो अंदर तक डीप क्लीन होती है, डीप मॉइस्चराइज होती है। स्टीम जो है ओनली फॉर सर्दियों में दी जाती है, कभी भी मैं गर्मियों में अपने पार्लर में स्टीम नहीं देती और स्टीम के हर फेशियल के अंदर स्टीम नहीं दी जाती। सबसे मेन है कि आप कौन सा फेशियल करा रहे हैं, किसकी स्किन कैसी है, ये सब पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन पे स्टीम नहीं दी जाती, बहुत ज़्यादा जो है अगर आपकी स्किन पे एक्ने है तब स्टीम नहीं दी जाती, मतलब कम एक्ने है तो आप दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा अगर एक्ने की प्रॉब्लम है तो आपकी स्किन पे स्टीम नहीं दी जाएगी, या आपको हीट से अगर एलर्जी है तब भी आपको स्टीम नहीं दी जाएगी। स्टीम जो है वो काफ़ी तरीके से लोग देते हैं और वो तरीके मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। देखिए मेरे पार्लर पर इस तरीके से स्टीमर होते हैं जो इतनी दूर से भाप आपके फेस पर फेंकते हैं और उससे आपकी जो है वो मसाज होती है बहुत अच्छे से। कुछ स्टीमर ऐसे होते हैं जिनको हम बिल्कुल क्लोज से देते हैं तो वो बिल्कुल भी स्किन के लिए सही नहीं होते, बहुत हार्म करते हैं। तो देखिए स्टीम देने के बाद आप देख सकते हैं कितना ईजी होता है वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स को रिमूव करना। आपकी स्किन से जितनी भी डस्ट पोल्यूशन था वो सब कुछ बहुत अच्छे से रिमूव हो गया। आपकी जो क्रीम थी, मतलब आपके क्रीम के स्टेप में आपने स्टीम दिलाई तो वो आपकी स्किन के अंदर बहुत अच्छे से पेरिटेट हो गई। सर्दियों में क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी बहुत कम होता है तो उसकी वजह से भी हीट के साथ में जब हम काम करते हैं तो हमारा ग्लो बहुत अच्छा आता है, हमारी स्किन पर ग्लो बहुत अच्छा आता है, हमारी स्किन डीप हाइड्रेट होती है, हमारी स्किन का पीएच लेवल मेंटेन होता है और हमारा जो फेशियल है उसका ग्लो बहुत अच्छा आता है। काफ़ी फायदे हैं स्टीम लेने के और सबसे ज़्यादा फायदा जो होता है वो होता है ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स के लिए कि वो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाते हैं और इस तरीके से जो है वो आप निकाल सकते हैं उसके बाद वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स। तो स्टीमर जो है उस चीज़ का ध्यान रखिए। कुछ लोग जो हैं वो किसी बर्तन में पानी गर्म करके उसके बाद फेस पे स्टीम लेते हैं, वो बहुत ही गलत तरीका है, उससे स्टीम नहीं लेनी चाहिए, उससे आपकी स्किन बहुत डैमेज होती है। और स्टीम जो है वो हमेशा हम लोगों को दूर से लेनी होती है, मतलब ओनली फॉर भाप हमारे फेस पर जानी चाहिए और वो भाप भी बहुत तेज नहीं जानी चाहिए। तो देखिए मेरे पार्लर पर एक ये स्टीमर यूज़ होता है जिसको हम सबसे ज़्यादा फेशियल में यूज़ करते हैं और इसके बाद हमारे फेशियल में और भी कई तरीके के स्टीमर हैं, जैसे देखिए ये स्टीमर है, लेकिन सब में भाप आपको फेस पे दूर से ही गिरती हुई दिखेगी, पास से नहीं देना है क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट अगर आपके फेस पर जाएगी तो आपकी स्किन का डैमेज होने का डर रहता है, आपकी स्किन के जो सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और बहुत दिक्कत आती है आपकी स्किन पर। तो आपको जब भी स्टीम देनी है फेशियल में आपके पास ये टूल होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पार्लर में। अगर आप घर पर ले रहे हैं तो देखिए इस तरीके से एक स्टीमर खरीद लीजिए, ये घर के लिए है और ये जो दो स्टीमर हैं ये प्रोफेशनल स्टीमर हैं, ये आपको पार्लर पर ही मिलेंगे। तो इस तरीके से स्टीम के काफ़ी सारे फायदे हैं, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप लोगों ने देखा कि स्टीम देने के बहुत सारे फायदे हैं और हमारी स्किन के लिए ना स्टीम बहुत अच्छी होती है। आप देख सकते हैं मेरी नोज पर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है और वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स भी बहुत ईजिली निकलते हैं। और बाकी कुछ जो भी उसके फायदे हैं, नुकसान है, वो मैंने आप लोगों के साथ में वीडियो में शेयर किए हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सब लोगों को हेल्प हो। और किस तरीके से हम लोगों को स्टीम लेनी चाहिए, किस तरीके से हम लोगों को जो है वो स्टीम के फायदे किस तरीके से ले सकते हैं और किस तरीके से हम लोगों को फेशियल के साथ में, या अगर हम फेशियल भी नहीं करा रहे उससे अलग भी हम लोग किस तरीके से स्टीम ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि स्टीम लेने के ना सबके अपने अपने एक तरीके हैं, हर पार्लर पे अलग तरीके से स्टीम दी जाती है, सबके पास अलग अलग तरीके के स्टीमर होते हैं। तो किस तरीके से हम लोगों के फेस के लिए सेफ है स्टीम, वो मैंने आज आप लोगों के साथ में शेयर किया है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।